पढ़ने से लेकर अगर उच्च स्तर पर जाना चाहता है तो वहां कंपटीशन के लिए हम लोग मदद करेंगे। आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइएगा तो कहां तक आगे जाएगा, या सोच लीजिए सपना, ये इसकी कल्पना कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें ये भावना होती है, नहीं हम व्यवसाय करेंगे, हम कोई उद्योग में अपने को जोड़ेंगे तो दूसरे लोगों के पास तो धन संपत्ति है, कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये गरीब गुरबा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके पास कहां से आएगा पैसा। तो अलग से जो योजना हम लोगों ने बनाई है, जिसके लिए हम सात निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड रखा कि जो लोग भी कोई उद्यमिता जिसमें है काम करना चाहेगा तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे। और जो कर लिया लेकिन उसके बाद भी लगा कि भाई अगर उद्यमिता को बढ़ावा देना है अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति में तो हम लोगों को और कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने किया एक उद्यमी योजना बनाई, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत और जो लाभ मिलता है उसके अलावे क्या किया है कि अगर कोई काम करेगा अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का तो उसको 10 लाख रुपए तक की सहायता अतिरिक्त में राज्य सरकार की तरफ से देंगे, जिसमें 5 लाख रुपया आधा रकम तो हम लोग अनुदान दे देंगे और 5 लाख रुपया उसको ब्याज रहित ऋण देंगे, ताकि बैंक से भी लेगा अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी लाभ लेगा, कुल मिलाकर के वो काम कर सके। तो आपके बीच में आपके बेटे बेटियों में जिनमें उद्यमिता का भाव है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।